मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, रिच फाउंडेशन देख रहे हो और मैं आपके साथ रंजन सिंह। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर ललन सिंह ने शपथ ले ली है। बता दें आपको कि लगातार चर्चा चल रहा था कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री कौन बनेगा। नाम संजय झा का भी आ रहा था। कई लोग जो है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि संजय झा जो है वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन लगातार न्यूज़ फॉर नेशन ललन सिंह के बारे में कह रहा था और ललन सिंह ने ही आखिरकार पर शपथ ले लिया है कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। लगातार पहले भी रेस में रहे थे ललन सिंह, मंत्री बनने को लेकर चर्चा पहले भी थी, लेकिन उस वक्त आरसीपी सिंह जो है वो जाकर मंत्री बन गए थे, जिसके बाद जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी कड़वाहट हुआ। उसके बाद पार्टी से कहीं ना कहीं गठबंधन भी टूट गया और अब जब फिर से एक बार ललन सिंह कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं तो तस्वीरें कुछ अलग नज़र आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी से वो तब मिले जब एनडीए की सरकार बनी, आरजेडी से दोबारा अलग हुए और सबसे पहले ललन सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिले और उसके बाद तस्वीरें सामने आई। ना अमित शाह से मिले, ना किसी और नेता से। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद आज ललन सिंह ने भी जब मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर जब शपथ लिया तो वो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं। जिस लहजे में मुलाकात करते हैं तो लगता है जिस प्रकार से कड़वाहट लग रहा था ललन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच, वो कड़वाहट खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरीके के तेवर ललन सिंह अपनाए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं लगातार हमला करते नजर आते थे। अमित शाह के ऊपर जो है वो सदन में उन्होंने खूब जो है बोला था। और इस बार जो तस्वीरें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है तो सीधे संपर्क ललन सिंह का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इस बार जनता दल यूनाइटेड की भूमिका भी बड़ी है सरकार बनाने में, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में जेडीयू और टीडीएस की अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं इस बात का भी जो है वो ललन सिंह एक तरीके से नीतीश कुमार के बेहद खास हमेशा से रहे हैं और इस बार वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी जो है उन्होंने मिनिस्टर के तौर पर शपथ भी लिया है। देखिए ललन सिंह का ये पूरा वीडियो। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्वानंद सोनोवाल।